तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर के जना रेड्डी हमारे साथ हैं। रेड्डी साहब, जो प्रदर्शन है, शानदार प्रदर्शन है कांग्रेस का तेलंगाना में, इसकी वजह क्या है? ये है जो बीआरएस, जब टीआरएस का जो गवर्नमेंट है, ये करप्शन और जो वायदा किया है कोई फुलफिल नहीं किया, और दूसरा है टीआरएस सेंटिमेंट से जो है उन्होंने दो दफा गवर्नमेंट में आके जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कुप्पा कर दिया। उस वास्ते जो है ये एंटी गवर्नमेंट या, और दूसरा पॉइंट है ये पूरा जो है शानदार प्रदर्शन करके गए। सो 5 ईयर्स से हम कांग्रेस पार्टी लोगों में, पीपल्स में है, और दूसरा है भारत जोड़ो यात्रा और भी इंक्रीज किया है, और तीसरा है पहली पॉइंट है सोनिया गांधी या राहुल गांधी, ये पूरा जो है जो तेलंगाना स्टेट के लिए वो त्याग करके हमारा जो गवर्नमेंट को जो है एग्निस्ट रहता वो भी समझ के भी जो वायदा किया है वो पूरा कर दिया, जो वायदा किया वो पूरा कर दिया। कभी जो है फिर तेलंगाना पीपल जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पीछे रहने के वास्ते अब ये इलेक्शन में उन लोगों संकल्प किया है, उस वास्ते ये हम आगे है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? चीफ मिनिस्टर जो हाईकमांड निर्णय करता है वो बनेगा। ये हाईकमांड जो है इसी टाइम में जो है वो जिस जो अच्छा काम किया, जो एक्सपीरियंस लिया, और दूसरा जो है अब ये टाइम पे जो है जिसको रखना वो जो है वो। रेवंत रेड्डी ने कैसा काम किया? रेवंत रेड्डी तो अच्छा काम किया, उनसे वजह से जो है लोगों पे जो है ये कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ है। रेवंत रेड्डी की वजह से, मेहनत से, परिश्रम से, हार्ड वर्क से ये प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस? पूरा कांग्रेस नेतों से हुआ, और जो रेवंत रेड्डी जो है आगे बढ़ के जो है सबको लेके ये काम किया है। अच्छा, ओवैसी का जादू नहीं चल पाया, जो मुस्लिम्स हैं वो दिख रहा है ट्रेंड की कांग्रेस की तरफ आए। राइट, जो बीआरएस का एग्निस्ट सेंटिमेंट है वो बीआरएस का मिल चुका है, और बीआरएस को हराना जो है एमआईएम की जो एंटी भी रहना, और तीसरा है मुस्लिम लोगों जो है पूरा अगर जो है या बीआरएस अगर जीता है ये बीजेपी की भी सपोर्ट करते बोल के उन लोगों का माइंड में है, उस वास्ते जो है पूरा मुस्लिम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कांग्रेस के साथ रहने के वास्ते।